क्या गणपति बप्पा की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहेगी? बनी रहेगी, और यहाँ से बन के ही गई है हमारे यहाँ से। बेटे भी लेके गए तो सब कुछ झोली भर के गए हमारे यहाँ। द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं यहाँ पर गणेश बाबा के दरबार में। यहाँ पर लगा गणेश जी का पूजन का 8वां दिन है। यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से गणेश जी की पूजा की जा रही है, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 56 भोग का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
ये लगभग हमको 8 वर्ष हो गए हैं इसको मनाते मनाते, और सुबह आरती होती है सुबह 6 बजे और शाम को कीर्तन होता है। लगभग 100 से 150 महिलाएं आती हैं और प्रसाद अलग अलग लेके आती हैं और बांटे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और माहौल बहुत अच्छा होता है। सब आते हैं, सब कहते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, सब करते हैं, आरती भी टाइम भी सब आते हैं, और 8 दिन में भंडारा भी होता है, फिर विसर्जन करने 9वें दिन जाते हैं। गणपति का विसर्जन करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेडीज आती है, लेडीज संगीत करती हैं, प्रसाद भी लेती है, लेके आती है, हम भी बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते हैं, सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे नाचना धूम मचाना बहुत अच्छा लगता है, हमको भी लगता है, हम 11 दिन रखते हैं अभी। क्या गणपति बप्पा की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहेगी? बनी रहेगी, और यहाँ से बन के ही गई है हमारे यहाँ, बेटे भी लेके गए तो सब कुछ झोली भर के गए हमारे। गणेश जी की महिमा के बारे में आपके क्या विचार है? हमारे बहुत बढ़िया है, बढ़िया अच्छा लगे हमारे को, हमारे को सब कुछ हो जाए घर में, बेटा बेटी पोता पोती इसके लिए घर में वाधारा, दुकानन में सब बढ़िया, कोई आवे जावे बढ़िया लगे हमारे। कहने का मतलब यह है कि जो भी गणेश जी को पूरी श्रद्धा भाव से धाता है उसके धन धान्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो गणेश जी बाबा की। 9 दिन तक चलता है और गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की बनाई जाती है। कुछ भक्तगण हमारे पास मौजूद हैं जो कि लगातार गणेश बाबा की सेवा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि गणेश जी की महिमा के बारे में आपके क्या विचार हैं? शुभ कार्य होते सब में पहले इष्ट देव हमारे गणेश जी को ही माना जाता है, इसी से शुभ कार्य चालू किए जाते हैं। गणेश जी का पूजन करके उसके बाद में विधि विधान से जो भी है इसकी, जो ये 9 दिन का आता है गणेश जी का, इसमें 9 दिन डेली शाम को आरती होती है, शाम को प्रसाद बढ़ता है, सुबह आरती होती है, उसके बाद में बहुत गाने बजाने, जैसे हमारे लेडीजें बहुत ज़्यादा शौक से इसको रखते आते हैं, हर साल का ये पर्व अच्छा माना जाता है। सारे भाई हम मिलके सभी जो हैं जो समाज में कई जगह ये रखे जाते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो हर साल इसकी वास्ता करता है घर में। ये हमारे भारत देश के अंदर मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है जो कि हर हिंदू धर्म के अंदर, हर हिंदू घर के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारे पास में और भी भक्तगण मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि गणेश की महिमा के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी गणेश जी की महिमा तो अपरंपार है, उसकी महिमा की तो क्या व्याख्यान करें, क्या बताएं उसके बारे में। बाकी ये है कि ये जो 11 दिन का कोई 11 का भी होता है, कोई 9 दिन का भी, कोई 5 दिन का भी, जैसा जिसका विचार बनता है, उस जैसे उसको विसर्जन करने जाएंगे तो उसकी महिमा बहुत ही अपार होती है। हम तो देखते जब हम पानी में जाते हैं ना, कभी हम ये समझो कि 3 फुट पानी में नहीं जाते, गणेश जी को लेके हम 8-8 फुट पानी में चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विसर्जन करके आते हैं, बहुत पब्लिक होती है वहाँ पे भी जाके बहुत पब्लिक होती है, कई लोग यानी ये समझो कि हजारों में आते हैं, सब गणपति जी को लेके आते हैं विसर्जन करने। गणपति मिट्टी का होना चाहिए और मिट्टी का ही बनता है। मैं मिट्टी के गणेश जी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये विधान कब से चला आ रहा है? इस विधान को देखो हमारे यहाँ राजस्थान में तो अभी करीब 20 साल से है, बाकी पश्चिम बंगाल में वहाँ तो जब से हमारा जन्म हुआ है 48 साल से हम देखते ही आ रहे हैं, वहाँ तो लगातार गणपति बापा मौर्या होता रहता है। अब यहाँ तो देखो हमने 20 साल से करीब यहाँ देखा अपने राजस्थान में होते हुए, और करीब 8 साल से अपने घर में प्रोग्राम हो रहा है इसका। देखिएगा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि गणेश जी बाबा एकता का प्रतीक भी माना जाता है। गणेश जी बाबा सौभाग्य समृद्धि बल बुद्धि के दाता भी माना जाता है, इसी वजह से गणेश जी को हम सर्वप्रथम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं। पड़ गई रे इतना दिया मेरे दाता, तो हमको तो बहुत कुछ दिया है, हम इसी विश्वास पे करते आ रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। गणेश जी बाबा की कृपा सभी भक्तों पर इसी तरह से बनी रहे।